नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 विपक्ष की आपत्तियों के बीच शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी के 3 नगर निगमों का विलय कराना चाहता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने विधेयक पेश किया है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश में है। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने विरोध किया। इनका कहना है कि ये कदम भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शीना बोरा मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करते हुए कहा है कि उसने अपनी ही बेटी की योजना बनाकर जान लेने का जघन्य अपराध किया है और ऐसा जघन्य अपराध नरमी के लायक नहीं है। सीबीआई ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका का कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि उसने अपनी ही बेटी की जान ली है और अपनी ही बेटी की जान लेने के प्रयास करने का अपराध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के साबरमती आश्रम के पुनर्विकास से जुड़े एक मामले में महात्मा गांधी के परपोते तुषार अरुण गांधी की याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता के वकील इंदिरा जयसिंह के शीघ्र सुनवाई की अर्जी स्वीकार करते हुए मामले को 1 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के रिश्वत की पेशकश वाले आरोपों की अब सीबीआई जांच होने जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमने सीबीआई को इस मामले में पत्र लिखा है, हम चाहते हैं कि सच सामने आए। एक बड़े पद पर आसीन होने वाले शख्स के द्वारा लगाए गए आरोपों का साफ होना बहुत जरूरी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा और केंद्र की जांच एजेंसियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र का विपक्षी दल और केंद्र की जांच एजेंसी की मिलीभगत है। पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है, यहां भी यही हो रहा है और आप देखिए कि थोड़े दिनों में तमिलनाडु में भी यही लोग जाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जर्नैल सिंह भिंडरवाला की तस्वीर लगी गाड़ियों के राज्य में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। खालिस्तानी भिंडरा वाले की तस्वीर वाले झंडे लगी गाड़ियों अब राज्य में एंट्री नहीं कर सकेंगी। इस फैसले के बारे में बोलते हुए राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस तरह की तस्वीरों वाली गाड़ियों के राज्य में आने से अशांति फैल सकती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि साफ किया है कि निशाना साहिब को लेकर के ऐसी कोई रोक नहीं है। निशान साहिब को सिख धर्म में पवित्र प्रतीक माना जाता है। योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ लेते हुए आज देखा गया है। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई एक मीटिंग में कुछ नेताओं की मौजूदगी ने कयासों को तेज कर दिया था। फिलहाल भाजपा की तरफ से किसे मंत्री बनाया जाएगा और कौन डिप्टी सीएम बनेगा इस बारे में जानकारी नहीं साझा की गई थी, लेकिन बाद में ये भी स्थिति साफ हो गई। कुछ चेहरों को लेकर कयास तेज किए गए थे। इनमें से ही एक बड़ा नाम ब्रजेश पाठक का था जो लखनऊ कैंट में विधायक बने हैं। कहा जा रहा है कि वो नए डिप्टी सीएम हो सकते हैं। वहीं ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और दिनेश शर्मा की जगह लेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के आने से व्यापारी वर्ग में खुशी का माहौल है। बजाज समूह के चेयरमैन कुशाग्र बजाज ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा यूपी में बनने जा रही भाजपा सरकार को बधाई दी है। कुशाग्र बजाज ने योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन सरकार को राज्य में स्थिरता, विकास और एक बेहतर कल का संकेत बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की 25 करोड़ जनता आने वाले सालों में अपने लिए विकास और खुशहाली के और सपने देख सकेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद दोबारा सत्तासीन होने जा रहे भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का शपथ ग्रहण शुक्रवार की शाम 4 बजे यहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले भाजपा के समर्थक बेहद उत्साहित दिखे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को विधानसभा में साल 2021-22 के लिए आउटकम बजट की स्थिति रिपोर्ट पेश की है। इस दौरान उन्होंने विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स को लेकर भाजपा पर तंज कसा है। मनीष सिसोदिया ने भी भाजपा पर इसी को लेकर तंज कसा और फिल्म को समर्थन देने के लिए भाजपा के खिलाफ तीखा हमला जारी करते हुए सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि पूरे देश का बच्चा बच्चा बोलता है कि जो कहा सो किया करने वाली सरकार कौन सी है, तो बच्चा बच्चा कहता है कि केजरीवाल सरकार। कटिहार के मनिहारी में एक भीषण हादसा हुआ है जहां एक मालवाहक जहाज अनियंत्रित हो गई और उसके बाद जहाज पर करीब एक दर्जन ट्रक गंगा में समा गए। सभी ट्रकों पर उनके चालक और खलासी भी साथ थे। इस हादसे में कई लोग गंगा में डूब गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही बचाव दल सक्रिय हो चुके हैं। स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है जबकि एनडीआरएफ दस्ते की मदद मांगी गई है।
बिहार में मेडिकल क्षेत्र में बंपर वैकेंसी निकलने वाली है। प्रदेश में अगले एक महीने में 9000 नर्स और 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। इसकी जानकारी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए सभी स्तर पर बहाली की जा रही है। बताया कि आगामी एक महीने के अंदर ही प्रदेश में 9000 ANM और GNM नर्स की बहाली होगी। पिछले 3 सालों में 17000 ANM और GNM की बहाली हो चुकी है। भारत पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच पूर्वी लद्दाख गतिरोध और यूक्रेन संकट के भू राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता के दौरान यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि किसी भी गतिविधि से समान एवं पारस्परिक सुरक्षा की भावना का उल्लंघन न हो। भारत की तरफ से गलती से दागी गई मिसाइल के संबंध में जांच चल रही है। 2 सप्ताह पहले पाकिस्तान की तरफ से चूकवश दागी गई मिसाइल मामले की जांच में इस घटना में मानवीय गलती होने की बात सामने आने की संभावना ज्यादा है। मामले की जांच की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से PTI ने यह खबर दी है। उन्होंने बताया है कि इस घटना की जांच कर रही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक ग्रुप कैप्टन और कुछ अन्य अधिकारियों की कथित चूक के लिए उनकी भूमिका की जांच कर रही है। इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान फिलहाल साझा नहीं किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला के रामपुरहाट स्थित बागटुई गांव में नरसंहार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रभावित गांव पहुंची। यहां उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द मुख्य आरोपी अनारुल हुसैन को गिरफ्तार किया जाए। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद पुलिस ने रामपुरहाट एक प्रखंड के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अनारुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। अनारुल हुसैन को फिलहाल जिले के तारापीठ थाने में रखा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से आज शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम के विलय संबंधी विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस विधेयक के संसद में पास होने के बाद तीनों नगर निगम मिलकर एक नगर निगम हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस हफ्ते मंगलवार को ही दिल्ली के तीनों नगर निगम के विलय के विधेयक को मंजूरी दे दी थी। 2011 में दिल्ली नगर निगम का बंटवारा किया गया था और अब करीब 11 साल बाद फिर से विलय किया जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निदेशालय की तरफ से दायर एक याचिका पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने शुक्रवार को पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति और अन्य से जवाब मांगा और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। जांच एजेंसी ने विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है जिसमें आरोपी को मलखाना में रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सिद्धू के खिलाफ रोडरेज मामले पर सुनवाई हो रही है। उनका साल 1988 में यानी करीब 34 साल पहले पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग की जान चली गई थी। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 रोगियों के लिए नकली प्लाज्मा बनाने वाली आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एक मरीज की जान जाने के बाद ये मामला सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा है कि पहले से ही लोग कोविड-19 से जान गंवा रहे थे और आप ऐसा कर रहे हैं। अगर हम इस तरह किसी को जमानत देते हैं तो ये गलत होगा। जब तक कोविड है तब तक बेहतर है कि आप जेल में ही रहें। आप कोविड के लिए नकली प्लाज्मा बना रहे हैं। पहले से ही कोविड है और आप चाहते हैं कि कुछ और लोगों की जान चली जाए। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। उन्होंने अपने दौरे के दूसरे दिन प्रदेश के जामनगर में शुक्रवार को भारतीय नौसैनिक पोत वल्सुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। अधिकारियों ने बताया है कि किसी सैन्य इकाई को युद्ध और शांति दोनों की स्थिति में उसकी विशिष्ट सेवा को मान्यता देते हुए प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति के लिए रस्मी समारोह का आयोजन भी किया गया था और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारत में आज ही के दिन यानी कि 25 मार्च 1788 का दिन था जब कलकत्ता गजट में भारतीय भाषा में पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ। यह बंगला भाषा में प्रकाशित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन की बड़ी घटना का जिक्र करें तो हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग का जन्म 1914 को 25 मार्च को ही हुआ था और उनकी इस उपलब्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जासूसी के लिए इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने 31 मार्च तक जनता से 11 सवालों पर टिप्पणी मांगी है। सवालों में यह शामिल है कि क्या राज्य निगरानी की सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित और समझी गई है और अगर किसी को लक्षित निगरानी के अधीन किया जाता है तो शिकायत निवारण तंत्र क्या होना चाहिए। अक्टूबर में अदालत ने जासूसी के आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन समिति के प्रमुख है।
भारत में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 1685 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,16,372 हो गई है। इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 21,530 रह गई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। कल के आंकड़ों के मुकाबले जान गंवाने वालों में इजाफा हुआ है। 83 लोगों की कोरोना के कारण जान गई है, जिसके बाद संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,755 हो गई है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 157 की कमी आई है। भारत दौरे पर पहुंची चीन के विदेश मंत्री वांग यी अपने समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात करते देखे गए। इससे पहले उन्होंने आज सुबह देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की है। वांग यी शुक्रवार सुबह एनएसए अजीत डोभाल के साउथ ब्लॉक स्थित ऑफिस उनसे मिलने पहुंचे थे। बता दें कि चीनी विदेश मंत्री गुरुवार रात दिल्ली पहुंचे थे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा है कि अधिकारियों ने 2021 में देर रात में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 1,898.73 करोड़ रुपए के 1.98 करोड़ से अधिक चालान जारी किए। एक लिखित उत्तर में गडकरी ने बताया है कि सरकार के केंद्रीकृत डेटाबेस के अनुसार 2021 में रोडरेज और तेज रफ्तार ड्राइविंग के 2,15,328 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में सबसे अधिक 71,89,824 चालान हुए हैं, जिसके बाद तमिलनाडु में मामले आए हैं और केरल तीसरे नंबर पर है जहां पर चालान काटा गया है। बायोगैस बायोसीएनजी एक अक्षय ऊर्जा उद्योग के रूप में उभर कर आया है, जो कृषि औद्योगिक पशु और नगरपालिका के जैविक कचरे को ऊर्जा से परिवर्तित करता है। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के अलावा ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को विनियमित करने, प्रदूषण को कम करने और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने में भी मदद करता है। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर ए के शुक्ला के अनुसार भारत में बायोगैस उत्पादन की 1,108 TWH की क्षमता है, जिसे संशोधित करके बायोसीएनजी में बदला जा सकता है और ग्रीन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने एबीपी न्यूज के आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2022 में हिस्सा लिया। उन्होंने द ह्यूमैनिटी इंडेक्स विषय पर चर्चा की। कैलाश सत्यार्थी ने कहा है कि भारत का असली विकास तभी होगा जब सभी को समान शिक्षा मिल पाएगी, साथ ही सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे। पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रही है। इस बीच श्रीलंका को भारत ने एक डीजल खेप की तत्काल आपूर्ति के अनुरोध को मान लिया है। भारत श्रीलंका को 40,000 टन ईंधन भेजेगा। श्रीलंका में ईंधन की दरें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जबकि आपूर्ति घट रही है। यहां स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार को व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी इस सप्ताह की शुरुआत में ईंधन स्टेशन पर सैनिकों की तैनाती का आदेश देना पड़ा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन पहले ही दिन में भगवंत मान एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो लगातार तमाम तरह के बड़े फैसले ले रहे हैं। अब ऐसा ही एक फैसला सीएम भगवंत मान ने विधायकों और सांसदों की पेंशन को लेकर लिया है, जिसमें कई बार चुनाव जीत कर आने वाले नेताओं को अब हर टर्म की पेंशन नहीं दी जाएगी, जिसके बाद लाखों रुपए पेंशन लेने वाले विधायकों और सांसदों को अब उनके एक ही टर्म का पेंशन दिया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया है। दिल्ली आर्थिक सर्वे के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम और गोवा के बाद दिल्ली तीसरे स्थान पर है। वहीं दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत में 3 गुना ज्यादा है। सर्वे के अनुसार दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय साल दर साल 16.81% बढ़कर 2021-22 में 4,01,982 रुपये हो गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विवेक कुमार, ललिता सिंह, स्वर्णेश्वर कुमार, विशाल कुमार सिंह, नुन्नू कुमार, उमा शंकर, सौरभ मिश्रा, राजकुमार भगत, अखिलेश यादव, नौशाद LLB, मोनू कुमार पासवान। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भाजपा के बाद भारत में सबसे मजबूत पार्टी कौन सी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।